बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जी जनाब, आज मेरा व्लॉग जो है ना, मैं आज संडे था, ये संडे का व्लॉग है मेरा। तो आज का व्लॉग मैंने जो है ना, कपड़े धोकर और कपड़े जो है ना, मैं अभी टेरेस पे आई हूँ ऊपर सुखाने, तो मैंने कहा चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, क्योंकि अमूमन मेरा जो है ना व्लॉग नाश्ते से ही शुरू हो रहा होता है। तो अभी जो है ना, मैं टेरेस पे ऊपर आई हूँ और जो है ना, कपड़े बच्चों के ड्रेस धोए थे और थोड़े बहुत कुछ और भी कपड़े थे, तो मैंने कहा चलें ऊपर चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और कपड़े मैंने जो हैं बच्चों के वॉश कर लिए थे ड्रेस, और ये साथ साथ जो है मरियम भी थी मेरे साथ और रोहान भी मेरे साथ था। तो जैसे कि आप लोगों को रोहान का तो पता ही है कि वो साथ साथ ही होता है सब जगह। और यहाँ जो है ना, मैं बाहर के नज़ारे देख रही थी, हम लोगों के जो है ना रेबर्स महल्ले के अंदर जो है ना, भी शादी भी है, तो बाहर टेंट वगैरह लग रहा था और तैयारी हो रही थी उनकी मेहंधी वगैरह की। तो अभी जो है ना, थोड़ा धूप भी थी तेज, बहुत गर्मी भी लग रही थी आज, तो मुझे बहुत ज़्यादा जैसे गर्म मौसम लग रहा था। और बोल रहे हैं कि मौसम चेंज हो गया है, ठंडक आ गई है, लेकिन रात में थोड़ी बहुत गर्मी नहीं होती है। में तो भी इतना कोई मौसम ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हेलो रोहन, रोहन हेलो करो। तो अभी आपको रोहन ना बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनाने वाला है, तो आप लोग सुनिएगा रोहन का सॉन्ग। रोहन सॉन्ग सुनाओगे ना? अच्छा अच्छा, आप मुझे क्या कहते हो? मैं आपकी क्या हूँ? ताई। ताई, तेज बोलो तेज। ताई। अच्छा चले भाई, रोहन आपको जो है ना सॉन्ग सुनाता है। अभी आप रोहन का सॉन्ग सुनिए तेज तेज। जी आपने जो है रोहन का सॉन्ग भी सुन लिया। बस ये अब ऐसी मस्तियाँ करता है हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ। तो इधर मैं यहाँ जो है ना, अब किचन में आ गई और ये मैं जो है ना मटर पुलाव बना रही हूँ। तो उसके साथ मैंने जो है टमाटर की चटनी बनाई थी, तो ये सामान मैंने निकाल के रखा है। उसके अंदर जो है टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है और ज़ीरा है और पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और धनिया हैं। तो ये सब मैंने चीज़ें जो हैं ब्लेंड कर ली, पीस ली चटनी। ये देखें कितना प्यारा कलर चटनी का आया है। इसमें मैंने जो है ना रेड चिली डाली थी पाउडर, तो ये देखें कितना प्यारा कलर आया और टेस्ट में भी बहुत मज़े की थी ये चटनी। और मटर के चावलों के साथ, पुलाव के साथ ना, मैं ये चटनी ज़रूर बनाती हूँ। तो चटनी हमने अपनी बना कर रख दी मैंने फ्रिज में, और अभी यहाँ जो है ना मैं मटर पुलाव बना रही हूँ। तो अभी जो है ना मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में ही बना रही हूँ मैं। तो फिर कढ़ाई मैंने जो है गर्म होने के लिए रख दी थी, और अभी ये मैं ऑयल इसके अंदर डाल रही हूँ। तो मटर पुलाव जो है ना तकरीबन एक जैसा ही सबका जो है ना पकाने का, मटर पुलाव बनाने का तरीका होता है। तो बस रेसिपी तो नहीं देनी थी, बस शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि आज मैंने जो है मेरे किचन में बना था आज मटर पुलाव और साथ टमाटर की चटनी। और ये देखें, ये मैंने इसके अंदर जो है ना लहसुन अदरक और ग्रीन चिली जो है ना वो ब्लेंड कर रही थी मैं, तो थोड़ा सा था तो वो हो ही नहीं रहा था, तो मैंने उसके अंदर जो है ना खूब लंबा पानी डाल के और जो है ना उसको पतला सा ब्लेंड कर लिया। और इधर जो है ना मटर छील के, आलू काट के और टमाटर वगैरह धोकर, हरी मिर्चें सब मैंने एक तरफ रख दी थी। तो साथ साथ अभी ये भी कटिंग करूँगी और मैं जो है ना जल्दी से फटाफट से अपना मटर पुलाव तैयार करते हैं। कोई लंबा चौड़ा तो प्रोसीजर है नहीं, और स्पाइसेस भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाते। मैं तो सिर्फ ग्रीन चिली में ही इसको बनाती हूँ हरी मिर्चों के अंदर, और उसके अलावा कोई जो है ना मैं नहीं डालती मसाले इनमें। और टमाटर, बस टमाटर हरी मिर्चें ही जाते हैं, और साबुत गरम मसाला और प्याज, ये मैंने इस ऑयल गरम हुआ तो डाल दी थी। और फिर इसके अंदर जो है ना ये लहसुन अदरक और ग्रीन चिली है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अभी इसे थोड़ा भूनेंगे, फ्राई करेंगे, उसके बाद जो है
टमाटर, हरी मिर्चें और मैं आलू और मटर सब साथ ही डाल दूँगी, तो जो है कि सब साथ साथ गल भी जाएगा और भुन भी जाएगा। तो सब चीज़ें मैंने डाल दी और ये देखें जो है ना हमारा मटर पुलाव रेडी हो गया, मज़ेदार सा टेस्टी सा मटर पुलाव रेडी हो गया। और अभी मैं जो है ना सर्व कर रही हूँ, निकाल रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए, और फिर हम इंजॉय करते हैं अपने मटर पुलाव को, मज़ेदार सा टेस्टी सा। तो ये थी मेरी संडे की रूटीन। और जो है ना साथ में मैंने जो है ना अचार भी रखा है, जो कि मेरे हस्बैंड के हाथों का अचार है, बड़े मज़े का टेस्टी अचार डला हुआ है घर का, और साथ जो है टमाटर वाली चटनी है। तो अभी मैं करती हूँ अपना डिनर इंजॉय, सब बच्चे वगैरह खाना खा रहे हैं, और जो है ना बस थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी थी तो उसको जो है काट पीट के अभी मैंने जो है ना इसको अपलोड किया है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी मेरे संडे की रूटीन। और फिर जो है ना उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाने के 1-1.5 घंटे बाद जो है फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, चाय के साथ बिस्किट भी लिए और अपनी चाय को एंजॉय किया। चलें फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, तो दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। और तो फिर मैं यहाँ आप लोगों को करती हूँ अल्लाह हाफिज़।